يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. نهايتي محترم خليفة علامہ مولانا مقصود صاحب نقشبندی، عالم نبیل، خوبصورت نوجوان عالم علامہ ہاشم صاحب، اور محفل کو چار چاند لگانے والی شخصیت محترم تنویر الاسلام صاحب، اور میرے یاران طریقت، سب سے پہلے شکوہ علامہ صاحب سے کہ تساں یہ ہیرا لکا کے رکھے اتنا عرصہ، ماشاءاللہ. حضرات، آج کی محفل اور اس کا یہ رنگ دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہوا کہ پروانوں کی محفل ہو تو اس میں جان محفل ہمیشہ شمع ہوا کرتی ہے. محفل میں لوگوں کا جمع غفیر ہو، کثیر تعداد ہو، لیکن وہ محفل قبول اور منظور صرف اس ایک شخص کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے دل کے اندر محبت پوشیدہ ہوتی ہے. لہذا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسے پھولوں کے جرمٹ میں بیٹھا ہوں کہ ہر آنکھ سے مجھے محبت چھلکتی نظر آتی ہے. حضرات گرامی، وقت بہت ہو چکا، میں نہایت مختصر طور پر چند باتیں عرض کروں گا. یقین جانیے کہ محفل کا ایسا لطف مجھ پر طاری ہے کہ میں کہنے کے بجائے اس وقت صرف سننے کی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا، اور کس خوبصورت انداز میں فرمایا کہ قسم ہے اس چمکتے ستارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج سے واپس تشریف لائے. اہل علم نے بڑے خوبصورت ترجمے کیے اس کے، لیکن میں اس چمکتے ستارے کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا آپ کا کہ یہ چمکتے ستارے کو امام احمد رضا خان بریلوی نے بڑے خوب انداز میں فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नजरा अहले इल्म ने इस आयत मुबारका का अपने इल्म के हवाले से खूब और बहुत से तर्जुमे फरमाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो महबूब सितारा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूब गया। ये इसका सबसे खूबसूरत तर्जुमा होगा। और हज़रात ये आयत मुबारका चूँकि मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करती है, तो अगर आप मेराज का मानी उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि लुगत इसका माना बुलंदी का बताती है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अनोखे अंदाज में अपनी मखलूक को ये बात अलल एलान फरमा दी कि ये चूँकि मेराज नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो याद रखो कि ये मेरे महबूब का मकाम इतना बुलंद है कि तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता। और याद रखो कि अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर तुम मेरे महबूब के मुकाम को कभी नहीं पहचान सकते। और हजरात याद रखें कि ये वो खूबसूरत मौका है जिसने हमें बहुत सारे इनामात से नवाजा है। तो मैं मुख्तसर तौर पर उन चंद इनामात की तरफ इशारा करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि बिल आखिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनी ताजदार अर्श पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो रास्ते में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फरमाते हैं हुज़ूर आज आप खुदाबंदे करीम के मेहमान हैं, उस बारगाह में जा रहे हैं, लेकिन मेरी जानिब से भी एक तोहफ़ा अपनी उम्मत के लिए लेते जाएं। और मेरी ये गुजारिश अपनी उम्मत से करें कि जन्नत एक चटियल मैदान है, उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन जो आपका उम्मती ये कलमा पढ़ ले सुभानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मैदान में एक दरख्त पैदा फरमाएगा। अब यह आपकी उम्मत के ऊपर है कि वह अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए या बागों के बाग लगाते चले जाएं, यह उनका अपना हिस्सा है। और फिर देखें हज़रात गिरामी कि यह दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जब किसी के पास जाता है तो मेज़बान हस्बे तौफीक कोई ख़िदमत करके मेहमान को वापस रवाना करता है। और इस मौके की तरफ तो नज़र डालें कि जिसमें मेहमान रसूल आज़म हैं और मेज़बान खुदा बंदे करीम हैं, मेज़बान रब्बुल आलमीन हैं और मेहमान रहमतुल आलमीन। तो अंदाज़ा करें कि ऐसा मेहमान जब ऐसे करीम की बारगाह में जाता है तो हमारी जैसी नाकिस सोच क्या अंदाज़ा कर सकती है कि देने वाले ने क्या दिया होगा और लेने वाले ने क्या लिया होगा। लेकिन जिस तरह मौलाना मकसूद साहिब ने नमाज की तरफ इशारा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ये तोहफ़ा उनकी ज़ात के लिए नहीं इनायत फरमाया, इसलिए नहीं दिया कि मेरे महबूब मैं आपको नमाज अता फरमा रहा हूँ आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या आपको आपकी औलाद को इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जानता है कि मेरे महबूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का गम है, तो आपने अपने महबूब को उनकी उम्मत के लिए ये तोहफ़ा इनायत फरमाया कि जिस तरह आज मैंने आपको मेराज पर बुलाया, अगर आपकी उम्मत ने यह तोहफ़ा अपने सीने से लगाया तो उनको भी मेराज हासिल हो जाएगा। और फिर सिर्फ ये नहीं, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से 50 नमाजें इनायत हुई, लेकिन बीच में वसीला सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बने और वो 5 कम होती होती 5 के ऊपर आईं, तो सोचने की बात ये है कि देने वाले ने कहा कि एक बार जब हम कुछ दे दें तो फिर वापस नहीं लिया करते। अब ऐ मेरे महबूब
अपनी उम्मत से ये कह दीजिए कि जिसने ये 5 नमाजें पढ़ी हम उन्हें 50 नमाजों का ही सवाब अता फरमाएं। हज़रते गिरामी, ये हो गए 2 तोहफे। अब मैं बढ़ूँगा तीसरे और आखिरी की तरफ, वरना तो मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मौजू है कि इसकी बहुत सारी जहतें, आप इसे अकीदे के हवाले से देखें, आप इसे साइंस के अतबार से देखें तो दफ्तर खुलते चले जाएंगे, लेकिन उनका अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे खूब और मेरे नज़दीक सबसे महबूब है वो तोहफ़ा है कि एक दिन ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आती है, खुशी की इंतहा है और आप सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि आयशा आज मांगो जो मांगना है। तो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर बड़ा बारीक मौका है, बड़ा ख़ास मौका है, अगर आप मौका इनायत फरमाएं तो क्या मैं इस पे सोच विचार कर लूँ। फरमाया ज़रूर। आपने फरमाया हुज़ूर अगर आप इजाज़त फरमाएं तो क्या मैं मशवरा कर लूँ। फरमाया ज़रूर। तो आप सीधा वालिदे गिरामी, यारे गार, यारे मज़ार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आई और फरमाया कि हुज़ूर आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातें बाबरकात ने ये खूबसूरत मौका इनायत फरमाया है, आप मुझे मशवरा इनायत फरमाएं कि मैं क्या पूछूं और क्या मांगूं। आप देखें कि हर इंसान अपने मयार के मुताबिक बात करता है, और यार गार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आयशा हुज़ूर से जाकर पूछो तो सही कि जब आप खुदाबंदे करीम की बारगाह में गए तो जो राजो न्याज की बातें हैं उनमें से एक बात इनायत थी। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस तशरीफ़ ले गईं और जाकर पूछा हुज़ूर मैं मशवरा कर रही हूँ, मेरी गुजारिश ये मेरा इल्तिमास, ये मेरा सवाल कि जब आप खुदा मंदे करीम की बारगाह में तशरीफ़ ले गए तो जो राजो न्याज की बातें हुई उनमें से एक बात इनायत फरमाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया मैं जानता हूँ कि आप सिद्दीक अकबर के पास गई थी, क्योंकि ये बात वही कह सकते हैं, अगरचे ये गैब की बातें हैं, आराज की बातें हैं, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया तो मैं बताऊंगा। हाँ आयशा सुनो, जब मैं खुदावंदे करीम की बारगाह में गया जहाँ इतनी बातें हुई तो वहाँ मेरे करीम परवरदिगार ने कहा कि जो शख्स आपकी उम्मत में से किसी के दिल राज़ी करे, किसी को खुशी पहुँचाए तो उसको सवाल और जवाब के बगैर जन्नत भेजना मुझ पर लाज़िम है। हज़रात सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुशी के इंतहा में वापस अपने वालिद गिरामी की बारगाह में हाजिर हुईं और फरमाया हुज़ूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने किसी को दिल को तस्कीन पहुंचाई उसको जन्नत भेजना बग़ैर हिसाब व किताब मुझ पर लाज़िम है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, आप फरताए हैरत में डूब गईं और पूछा कि वालिद ये तो बड़ा खुशी का मौका है, आप रोते क्यों हैं। तो फरमाने लगे आयशा आप इसका एक रुख देखती हैं कि जिसमें अल्लाह ने किसी के दिल को खुश करने वाले के लिए जन्नत का ऐलान फरमाया है, इसका दूसरा रुख देखें कि अगर किसी ने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई और वो दिल तोड़ दिया तो वो सीधा जहन्नम जाए। मुझे इस बात का खौफ है कि मैंने कहीं किसी का दिल ना तोड़ दिया हो,
तो हज़रात याद रखें कि ये वो सुनहरी पैगाम है जो मैं समझता हूँ कि अगर अपने सीने के साथ आप लगा लें तो इंसान बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत जा सकता है। और फिर मैं समझता हूँ हज़रात कि सब बातों की एक बात, ये महफिल जिस ज़ात की मोहब्बत और जिस ज़ात का इश्क हासिल करने के लिए सजाई गई, हकीकत तो वही ज़ात है। और वो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि तेरी ये मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, तेरी ये मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी ये मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हज़रात ये महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि दिल जब अल्लाह की सदा से पाक हो तो फिर इसमें मोहब्बत अपनी गुंजाइश बनाना शुरू करें। और तीसरे कलमे के हवाले से मुझे याद आया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो कलमा है जो 99 बीमारियों का इलाज है, और इसके नज़दीक सबसे आम बीमारी दिल का मर्ज़ है। और हज़रात याद रखें कि फिर सबसे अहम एक और चीज़ भी आपने फरमाई कि जब शैतान का गलबा दिल के ऊपर ग़ालिब पाओ तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम पढ़ो। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह शैतान के मुंह पर तमाचा मारना और वो उसका गलबा दिल के ऊपर से फौरी तौर पर रफा हो जाया करता है। हज़रात याद रखें कि ये वो छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी में निखार पैदा होता है। और ये तो वो कलमा है जो अगरचे आसमान की तरफ से ख़जाना उतरा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कलमा जो वहदानियत का झंडा लेकर आपके और मेरे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उतरे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जब दिल में जारी होता है तो क्या आलम होता है। हज़रात अगरचे वक्त ज़्यादा हो गया लेकिन अनामा साहब ने ऐसे दिल के तार छेड़े कि एक छोटा सा वाक़या सुनाने को जी चाहता है अगर आप हज़रात की तवज्जो। यहाँ मेरे पास एक पुराने साथी हाज़िर हुए, मुलाकात हुई तो फरमाने लगे कि मैं हुजूर शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास जवानी के दौर में आया करता था। उस शख्स का रोब, उस शख्स का दबदबा, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत ने मुझे अपना असीर कर रखा था। और दिन रात मैं हुजूर शेख उल आलम के पास बैठता था कि एक दिन हुजूर शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मेरी तरफ से ये कुछ तोहफे हैं, यह आपको मोड़ा शरीफ ले जाने हैं और आला हज़रत पीर खान साहब की बारगाह में पेश करने। कहने लगे मैं मोड़ा शरीफ से नावाकिफ था लेकिन चूंकि शेख का हुक्म था मैंने तोहफे उठाए, सीने से लगाए और मोड़ा शरीफ की तरफ सफ़र जारी शुरू किया। कहने लगे कि मैं मोड़ा शरीफ पहुंचा, दरबार में दाखिल हुआ तो आला हज़रत पीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनत पर तशरीफ फरमा थे। सोचने लगे कि कहने लगे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरा पीर इतना हसीनो जमील, मखलूक खुदा के जुर्मट में बैठने वाला, इतना कदावर शीरी बयान, गुफ्तार देखो, किरदार देखो, हर एक अदा देखो, दिल के अंदर घर कर जाने वाली, इतने खूबसूरत और इतने बड़े आदमी ने ये कैसे सादे आदमी के लिए तोहफे बेच दिए। कहने लगे मैं पास गया और कहा कि हुजूर पीर सिद्दीकी साहब ने ये तोहफे बेचे आपके लिए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से तोहफे तो कबूल फरमाए लेकिन दिल में ये मलाल पैदा हुआ कि मैं इतना सफ़र करके आया, शायद वक्त ही ज़ाया हुआ, ये आदमी अब बदले में मुझे क्या देगा। फरमाने लगे कि आला हज़रत पीर खान साहब ने जैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया तो मेरी तरफ देखा, मुझे फरमाने लगे हाजी साहब आपका सफ़र रायगा नहीं जाएगा, अपनी नशिस्त से खड़े हुए हाथ फैलाए, फरमाया आओ मैं तुम्हें रुख्सत करता हूँ। हाजी साहब कहने लगे, उन्होंने मुझे सीने से लगाया और अपना सर
मेरे दिल के साथ लगाया तो सीने से अल्लाहू की सदा आती थी। फरमाने लगे वो सौगात आला हज़रत पीर खान साहब ने इनायत फरमाई कि जब भी आंखें बंद करूं, दिल की जानब सर झुकाऊं, तो वो अल्लाहू की सदा कानों में बुलंद होती है। मैं समझता हूं कि यही वो सौगात है कि जो लोग दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, अगरचे उनकी ज़ुबानें खामोश हो जाएं, लेकिन कल्ब हमेशा के लिए अल्लाहू के ज़िक्र से मालामाल हो जाया करते हैं। हज़रात, वक्त बहुत हुआ, हालतें दुरुस्त फरमाएं, यही मोहब्बत का नगमा आलाप कर हम महफिल को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। पहले मैं पढ़ूंगा प्यारा। सर अपने दिलों की जानिब झुका कर रखें और ये बात जहन में रखें कि खालिक और मखलूक का ताल्लुक ये जिक्र है। यही जिक्र वो वसीला है जो खालिक और मखलूक के दरमियान
ताल्लुक का ज़रिया है। मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स इस ताल्लुक़ को मजबूत कर ले, उसके लिए यही उसकी मेराज है कि वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल और महबूब हो जाया करता है। खूब मोहब्बत के साथ, आवाज़ के साथ आवाज़ मिला कर, और दिल पे और दिमाग में कोई और ख्याल ना आने पाए। हर ख्याल, हर परेशानी, हर सोच से आज़ाद होकर जिक्र की सदा में गुम होना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, मोहब्बत के साथ। अल्लाह 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 अल्लाह
अलंघ 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 अल्लाह जल जलालहु अल्लाह जल शानहु। इसी इश्को मस्ती में डूब कर अल्लाह 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 रखें इन आस्थानों पर यह अल्लाह की सदाएं इसीलिए बुलंद होती हैं और ये आशिक ये सूफी ये दरवेश सुबह शाम इसलिए अल्लाह अल्लाह करते हैं कि जिन लोगों के दिल अल्लाह के पानी से धुल कर साफ हो जाया करते हैं तो फिर शेख तरीकत उन दिलों के अंदर इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए रोशन कर दिया करता है और जिसके दिल में ये दिया रोशन हो जाए से दोनों जहानों की बादशाही मयसर आ जाए। हज़रात दुआ से कबल जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गईं मैं चाहता हूं कि उनको अच्छे से निभाया जाए और जो पानी चलता रहे वही पीने के काबिल रहता है वही साफ रहा करता है। मैं चाहता हूं कि आफंदी कलोनी से तशरीफ़ लाने वाले लियाकत साहब से गुजारिश करूंगा कि वागे तशरीफ़ ले आएं। मेरी ख्वाहिश है कि इस नौजवान को
वेस्ट से तशरीफ़ लाने वाले लियाकत साहब, मैं इनको दस्तारे खिलाफत पेश करना चाहता हूँ। मेरी तो इतनी बिसात नहीं, लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ रस्सी है जिसका एक सिरा तो मेरे हाथ में है, लेकिन दूसरा सिरा यकीनी तौर पे ख्वाजा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजगान मोड़ा शरीफ के हाथ में है। और जिस तरह अलामा साहब ने फरमाया कि मेरा अपना काम है इनके सर पे ये रुमाल बांधना, और इस रुमाल को शान और शौकत, इज्जत, शरीयत और तरीकत के अनवार से पुर करना मेरे शयूह का काम है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह की सदा बुलंद हो और मैं ये सेहरा इनके सर पर सजाऊँ। हनीफा साहब, आज से अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ शरीयत और तरीक़त के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए निभाएंगे भी, और लोगों तक अल्लाह की सदा का यह नगमा दिल दिल तक पहुँचाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस मिशन में कामयाबियाँ और सरफराजियाँ अता फरमाएँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इलाहुल आलमीन आज की इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, और इस तमाम तर महफिल और इसमें पढ़ा जाने वाला कलाम पाक के तुफैल इलाहुल आलमीन ख्वाजगान मोड़ा शरीफ और ख्वाजगान नहरी शरीफ के दराजात बुलंद फरमा। इन नेक लोगों के तुफैल सब के ऊपर अपना खसूसी फजल व करम फरमा। सब का आना जाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। यह अहबाब दिलों में जो नेक मुरादें लेकर आए इलाहुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। रिस्क में बरकतें, रिस्क में वसअतें आता फरमा। रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा और तंगदस्ती से महफूज फरमा। आने वाली ज़िंदगी में नेक अमल की तौफीक अता फरमा, और हर किस्म के सगीरा कबीरा गुनाह की माफ़ी अता फरमा। शरीयत मुताहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, और तरीक़त के अनवार को सीने में समोने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने शेख तरीक़त के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। उनका गुफ्तार, उनका किरदार, उन्हीं के अतवार अपनाने की तौफीक अता फरमा, और शरीयत के ऊपर इस्तेकामत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन राह सलूक पर इस्तेकामत के साथ चलने की तौफीक अता फरमा, और रूहानी मनाजिल तय करने में आसानी अता फरमा। अल्लाह आलमीन हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं उनके ऊपर अपना खसूसी फजल व करम फरमा। सब के लिए नेक असबाब पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्होंने रूबरू या बजरिया फ़ोन दुआ के लिए कहा, इलाहुल आलमीन सब के ऊपर अपना खसूसी फजल व करम फरमा। ये तनवीरुल इस्लाम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, इनके वजूद में, इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा, और इनका साया ता देर कायम व दाइम फरमा। मोहब्बत की जोलानियों में तरक्कियाँ अता फरमा, और मोहब्बत के समंदर में इजाफे अता फरमा। ये अल्लामा हाशिम साहब तशरीफ लाए, मोहब्बतों का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए, और हक गोई की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन राहत साहब ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश किए, वो इलाहुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा, और इनके सोज और साज में इजाफा फरमा, और इलाहुल आलमीन इश्क व मस्ती और सरूर में इजाफा फरमा। इलाहुल आलमीन ये जितने मोहब्बत करने वाले यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ सबको जिक्र की बहारें नसीब फरमा, सबको इश्क और मोहब्बत की सौगात नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सबको अपने शेख की नज़र ख़ास अता फरमा, और रूहानी फैज़ान में से हिस्सा नसीब फरमा। जितने खुदाम यहाँ मौजूद हैं सबके ऊपर अपना खसूसी फजल व करम फरमा। जो लंगर में इलाहुल आलमीन
जो लंगर के साथ तावुन करते हैं, जो लंगर पकाते हैं और जो लंगर खिलाएंगे, यहाँ तक के खाने वालों को इसकी बरकत नसीब फरमा। अल्लामा मौलाना मखसूस साहब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमा और इनके वजूद से हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान आम फरमा। खलीफा लियाकत साहब के सपुर जो जिम्मेदारियाँ की गई हैं, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ये निभाने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इलाहुल आलमीन मखलूक खुदा का दर्द अता फरमा, उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा, दुखी दिलों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा, दो को एक करने की तौफीक अता फरमा, सुबह शाम अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। गुजरात में हमारे कुछ साथी बीमार हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा, आप दुआ करें, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफाए कामिल अजल अता फरमाए। और मेरे हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के महबूब सना खां सूफी जफर साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दराजात बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नत अता फरमा और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की मैयत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।